सदगुरु शादी कितनी जरूरी है और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए सही रास्ता है क्या आप शादी शुदा है नहीं, <laughs> नहीं क्योंकि ज्यादातर लोग ये सवाल बाद में पूछते हैं <laughs> आप सही समय पर पूछ रहे हैं देखिए पहले यह समझते हैं कि लोग शादी क्यों करते हैं एक इंसान के तौर पर चाहे आप आदमी हो या औरत आपकी कुछ जरूरतें होती हैं जब आप आठ साल के थे आपका नाम क्या है अनुष्का 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 अनु अनुष्का ठीक है अगर आप शादी करेंगी तो हम आपका नाम आधा काट देंगे हम आपको अनु बना देंगे <laughs> क्योंकि शादी करने के लिए आपको संस्कृत विद्वान कहां मिलेगा <laughs> तो जब आप आठ साल के थे अगर मैं कहता हूं अनु क्या आप शादी करना चाहती हैं वो बकवास लगती है है ना मेरा मतलब है तब उस सवाल का कोई मतलब नहीं था हाँ? उस सवाल के कोई मायने नहीं थे अगर मैं आपसे तब पूछता जब आप छह के थे तो तो उसका कोई मतलब नहीं होता जब आप आठ के थे तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपका परिवार किस तरह का है ये या तो एक मजाक होता या आप इसका विरोध करते या इसे वाकई समझे बिना आप हाँ कह देते अगर मैं ये सवाल आपसे चौदह साल की उम्र में पूछता तो आप थोड़ा शर्माते क्योंकि आप सोचने लगे थे <laughs> क्योंकि शरीर एक खास तरीके से बढ़ने लगा है हारमोन्स ने बुद्धि पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और अब आप सोच रहे हैं हम्म, अगर मैं आपसे 18 साल की उम्र में पूछता हूँ तो आपकी परवरिश के माहौल के आधार पर आपका जवाब स्पष्ट रूप से हाँ या नहीं होगा अभी नहीं या बिल्कुल नहीं ये इस पर निर्भर करेगा कि आपके साथ 14 से 18 के बीच क्या हुआ है हाँ तो अब ये अच्छा है कि उन सभी पड़ावों से गुजरने के बाद अब आप खुद सवाल कर रहे हैं न कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ या आपके माता पिता आपसे पूछ रहे हैं आप खुद ये सवाल पूछ रही हैं क्या मुझे शादी करने की जरूरत है तो जरूरतें होती हैं जब आप एक इंसान के रूप में होते हैं तो शारीरिक जरूरतें होती हैं भावनात्मक जरूरतें होती हैं मानसिक जरूरतें होती हैं सामाजिक जरूरतें होती हैं आर्थिक जरूरतें होती हैं ये सारी चीजें होती हैं लोग शायद इन चीजों के बारे में जागरूकता से नहीं सोचना चाहेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो उनकी शादी बदसूरत हो जाएगी पर वैसे भी ये चीजें तो हैं ही अगर ये अरेंज मैरिज है तो कोई दूसरा इस बारे में सोच रहा है अगर आप इसे खुद अरेंज कर रहे हैं तो आप निश्चित ही इस बारे में सोच रहे हैं हाँ या नहीं ये सब सोच विचार होते हैं तो आजकल महिलाओं के लिए मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया कुछ हद तक बदल गई है अब सामाजिक और आर्थिक कारणों के लिए जरूरी नहीं है कि उसे शादी करनी ही पड़े जब तक कि आप बस शरीर के साथ ही नहीं आई हो आप नहीं समझी अगर आप सिर्फ शरीर हैं और आप में दिमाग नहीं है तो अलग बात है वरना एक औरत को अब सामाजिक या आर्थिक कारणों से शादी करने की जरूरत नहीं है उसके पास चुनाव है वो अपनी खुद की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का ख्याल रख सकती है सौ साल पहले ऐसा नहीं था आप में शादी के लिए चाहे शारीरिक भावनात्मक या मानसिक जरूरतें न भी हों फिर भी बस सामाजिक और आर्थिक कारणों के लिए आपको शादी करनी होती थी हाँ पर अब ऐसा नहीं है ये थोड़ी बहुत आजादी है अब आपके शादी करने के कम से कम दो कारण खत्म हो गए हैं अब आपको बाकी तीन पर विचार करना है बस क्या आपको मानसिक तौर पर एक जीवन साथी की जरूरत है क्या आपको जीवन साथी की भावनात्मक जरूरत है आपकी शारीरिक जरूरतें वे कितनी प्रबल हैं आपको इसे अपने हिसाब से देखना होगा यह कोई सामाजिक नुस्खा नहीं है कि हर कोई शादी करे या हर कोई शादी न करे ये कारगर नहीं होगा एक व्यक्ति के रूप में आपकी जरूरतें कितनी तीव्र हैं अगर यह एक हल्की जरूरत है जिससे आप आसानी से पार जा सकते हैं अगर ये एक छोटे दौर की जरूरत है तो शादी मत कीजिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बंध जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बंधने के साथ ये सिर्फ दो लोग ही नहीं रहेंगे ये चार या कभी कभी छह हो जाते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है क्या आप इसे चाहती हैं यही सवाल है हर इंसान को खुद के लिए सोचना चाहिए न कि सामाजिक मानदंड से चलना चाहिए सामाजिक चलन चाहे जो भी हो मैं शुरू से ठीक यही बात कह रहा था आप आध्यात्मिक सिर्फ तभी बनते हैं जब आपके चुनाव सौ फीसदी खुद के होते हैं और आप दूसरी ताकतों से प्रभावित नहीं होते आपको चुनना है कि क्या ये जरूरी है अभी लोगों ने दूसरी तरह के समाधान ढूंढ लिए हैं पश्चिम में और भारत में भी काफी हद तक ये होने लगा है ठीक है हम शादी नहीं करेंगे हम दोनों बस साथ रहेंगे हम लोग साथ साथ रहेंगे तो ये साथ रहना अगर आप बस एक इंसान के साथ रह रहे हैं तो ये वैसे भी शादी ही है ठीक है चाहे आपके पास शादी का सर्टिफिकेट हो या ना हो पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप हर सप्ताह अपना साथी बदल सकते हैं तब आप खुद को एक गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि जैसे आपके मन में याददाश्त होती है वैसे ही आपके शरीर में याददाश्त का भाव बहुत अधिक प्रबल होता है इसी वजह से हम आपको ऐसे स्थानों में ले जाते हैं भले ही आप तार्किक रूप से कुछ न समझें उन्होंने लगातार ऊर्जा के स्थान और दूसरे प्रकार की संभावनाओं के स्थान इसलिए बनाए हैं क्योंकि शरीर उसे आत्मसात कर लेगा और याद रखेगा शरीर की याददाश्त का भाव बहुत प्रबल होता है शरीर इसे आत्मसात कर लेगा और याद रखेगा हो सकता है आप हिमालय को भूल जाएं लेकिन शरीर हिमालय को नहीं भूलेगा यह हमेशा याद रखेगा आप भूलने की बीमारी के कारण पूरी याददाश्त खो सकते हैं लेकिन भौतिक शरीर में यादें बनी रहेंगी शरीर इसे नहीं छोड़ेगा बस क्योंकि आपने अपनी याददाश्त खो दी है तो इस वजह से आप अपने कर्म तक को नहीं खोने वाले हैं तो शारीरिक नजदीकी को हमेशा से यहां इस परंपरा में इसे ऋणानुबंध कहा जाता है यह शरीर याददाश्त का एक गहरा भाव विकसित कर लेता है और इस तरह की बहुत सारी यादें एक खास स्तर का भ्रम और एक खास स्तर की पीड़ा पैदा करती हैं आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप इसे बहुत साफ देख सकते हैं जो लोग अपने जीवन के साथ लापरवाह हैं वो सही मायने में आनंद को कभी नहीं जान पाएंगे वे बस वैसे ही रहते हैं कृपया आप इसे अपने आसपास ध्यान से देखें यह साफ दिखता है जो लोग अपने शरीर को लेकर अनुशासित नहीं हैं वे कभी पूरी तरह से हंस नहीं सकते नहीं पूरी तरह से रो सकते हैं वे ऐसे बन जाते हैं क्योंकि एक ही जीवन काल में भौतिक शरीर में भ्रमित होने वाली यादें कई ऐसे प्रभाव डालेंगी तो इन जरूरतों को पूरा करने का ये कोई समाधान नहीं है तो आप या तो शादी कीजिए या शादी मत कीजिए कि आप इन जरूरतों से परे चले जाइए लेकिन ये ऐसी चीज है जिसे आपको निजी तौर पर देखना होगा कि मेरी जरूरत कितनी तीव्र है अगर आप स्पष्टता से और समाज से प्रभावित हुए बिना इस पर गौर करना चाहते हैं तो हमेशा सबसे अच्छा ये होगा कि आप एक महीने की छुट्टी लें आश्रम में रहें और बस ध्यान करें जब आप निर्णय ले लें तब आपको स्पष्टता की स्थिति में होना चाहिए किसी से प्रभावित होकर नहीं न तो गुरु के द्वारा और न ही समाज के द्वारा आप किसी से प्रभावित न हो खुद को स्पष्टता की एक खास अवस्था में लाइए उस स्पष्टता में देखिए कि आपकी जरूरत क्या है आपकी जरूरत वाकई कितनी तीव्र है अगर ये जरूरी नहीं है तो बात खत्म एक बार जब आप फैसला कर लें, तो उस दिशा में मत देखिए अगर आप उस तरफ जाने का फैसला लेते हैं तो इस तरफ मत देखिए बस वही कीजिए आपको इनमें से एक चीज करनी चाहिए अगर आप बीच में लटके रहेंगे तो आप लगातार भ्रम की अवस्था में रहेंगे ये या वो सबसे अच्छा क्या है क्या सबसे अच्छी चीज है सबसे अच्छी चीज कुछ नहीं होती है जहां भी जो भी आप करना चुनते हैं अगर आप उसे पूरे दिल से करते हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है फिर भी यह सबसे अच्छी चीज नहीं है क्योंकि दुनिया में कुछ भी सबसे अच्छी चीज नहीं है जो आप कर रहे हैं उसमें अगर आप वाकई खुद को झोंक देते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ चीज नहीं है सर्वश्रेष्ठ में दूसरे लोग शामिल होते हैं है ना बेस्ट का मतलब है बेस्ट सौदे का मतलब है कि आप हर किसी से बेहतर हैं इसमें दूसरे लोग शामिल हैं यह खुद को हराने की प्रक्रिया है जिस पल आप सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करते हैं आप खुद को हराने की प्रक्रिया पर आ जाते हैं मैं एक शानदार चीज कर रहा हूं इसमें कोई दूसरा शामिल नहीं है मैं बस सड़क पर चल रहा हूं मुझे लगता है मैं एक शानदार काम कर रहा हूं मैं सबसे अच्छा काम नहीं कर रहा हूं हिमालय की गुफाओं में रहने वाले योगी वो सबसे अच्छी चीज नहीं कर रहे हैं वो खुद के लिए एक शानदार काम कर रहे हैं कोई शादीशुदा है खुशी से अपने परिवार के साथ रह रहा है तो वो एक शानदार काम कर रहा है वो सबसे अच्छा काम नहीं कर रहा है तो सबसे अच्छा काम करने की कोशिश मत कीजिए जीवन बर्बाद हो जाएगा क्योंकि इसमें पूरी दुनिया शामिल है इसका मतलब है कि आपको सबसे अच्छा काम करने के लिए सिकंदर महान होना होगा और यकीनन उसने सबसे अच्छी चीज नहीं की और नहीं कोई महान चीज की क्योंकि वो कुछ और करने के नाकाबिल था तो हमने कहा कि वो महान है और उसे खारिज कर दिया क्योंकि वो असल में मनुष्य कहलाने की किसी भी श्रेणी में नहीं आता तो ये ऐसी चीज है जिसके लिए आप अपने अंदर स्पष्टता का एक स्तर लाइए और अपना निर्णय लीजिए एक बार जब आप फैसला कर लें, फिर कोई भटकाव नहीं होना चाहिए निश्चल तत्व जीवन मुक्ति क्योंकि निश्चल तत्व जीवन मुक्ति अगर आप जब आप जो भी आप कर रहे हैं आप बस पूरी भागीदारी से झाड़ू लगाते हैं हर दिन आप झाड़ू लगाए आपको आत्मज्ञान मिल जाएगा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं इसके लिए इतना ही करना है पर समस्या यह है कि जो आदमी झाड़ू लगा रहा है वो कुछ और बनना चाहता है कोई दूसरा झाड़ू लगाना चाहता है ये इंसान वो करना चाहता है वो इंसान कुछ और करना चाहता है कोई भी अपना काम पूरी भागीदारी के साथ नहीं कर रहा यही पूरी समस्या है आप जो भी कर रहे हैं अगर आप उसे पूरी भागीदारी के साथ करते हैं अगर आप में निश्चल तत्व है यानी आप जो कर रहे हैं आप उसी में लगे रहते हैं बस उसी में हिमालय की सड़कों पर गाड़ी चलाना आपके साथ यही करता है ट्रैकिंग या पर्वतारोहण भी आपके साथ यही करता है जब आप ये काम करते हैं तो आप कुछ भी और नहीं कर सकते आप कुछ और करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका आखिरी काम होगा अगर आप इन सड़कों पर अपनी गाड़ी वाकई तेज चलाते हैं तो आप सिर्फ वही कर सकते हैं अगर आप कुछ और करने की कोशिश करते हैं तो वो आप आखिरी काम कर रहे होंगे तो आप अपना जीवन उस तरीके से जिये आप जो भी कर रहे हैं आप बस पूरी तरह वही करें अगर आप में वो निश्चल तत्वम है तो आप चाहे जो करें वो ठीक है पर हर दिन बदलना बदलना बदलते रहना जो लोग पंद्रह साल से शादीशुदा हैं अब वो सोच रहे हैं शायद मुझे ब्रह्मचर्य लेना चाहिए था जो लोग दस साल से ब्रह्मचारी हैं अब वो सोच रहे हैं शायद मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी ये जीवन की अंतहीन बर्बादी है